Hey guys, so welcome back. तो आज के वीडियो में आप मैरी क्लेयर के इन दोनों लिपस्टिक्स का रिव्यू देखने वाले हो. एंड ये लिपस्टिक्स जो है वो दोनों एक कॉम्बो में आता है एंड इसका प्राइस अराउंड 700 या 600 समथिंग. एक्सैक्ट प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. एंड इसकी आउटर पैकेजिंग जो है वो खो चुकी है, एक बस खो गई क्योंकि मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही थी. सो मैंने सोचा कि अभी मैं आप लोगों के साथ अपना रिव्यू शेयर कर दूं जिससे कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए एंड मे बी आपके थोड़े पैसे बच जाए. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो कुछ इस तरीके से पैकेजिंग है इसकी. एंड ये दोनों लिपस्टिक्स की प्राइस जो है वो इंडिविजुअली 300 समथिंग की है. एंड अगर आप कॉम्बो खरीदते हो तो 700 के अराउंड का प्राइस हो जाता है. बट इस ब्रांड पे मिंत्रा पे आपको जनरली डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, अच्छी खासी डिस्काउंट मिलती है. सो मैंने बहुत सारी चीजें इस ब्रांड की ऑलरेडी ट्राई कर रखी हैं एंड मैंने लिपस्टिक भी मंगाया था. तो चलो स्टार्ट करते हैं. पैकेजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ब्लैक कलर की प्लास्टिक में है एंड पैकेजिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छे से लॉक होता है. एंड कुछ इस तरीके से शेड के नाम की बात करें तो यह शेड रफ गुडनेस कुछ इस तरीके से है ये. एंड ये बहुत ही प्यारा सा यू नो ब्रिक रेड काइंड ऑफ कलर है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है. तो कुछ इस तरीके से ये. एंड मैं आपको एक बड़ी सप्लाई देती हूँ. सो आप देख सकते हो ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है एंड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कलर है. लाइक ये कलर जो है वो स्पेशली आई थिंक हर स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाएगा. इंडियन स्किन टोन के साथ ये कलर बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है. तो कुछ इस तरीके से ये. एंड ये लिपस्टिक जो है वो बहुत ही ज्यादा इजिली अप्लाई हो जाती है. कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा क्रीमी है. ये लिप्स पे बिल्कुल भी फील नहीं होती, बहुत ही ज्यादा लाइट है. वो बिल्कुल भी लिप्स पे ड्राइनेस वाली फीलिंग नहीं देती है, ना ही वो हेवी वाली फीलिंग देती है. तो कहीं ना कहीं विंटर्स के लिए मुझे ये लिपस्टिक जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी. इनफैक्ट मैंने फिलहाल इसी का ये दूसरा वाला शेड जो है वो पिंक शेड जो है वो मैंने अप्लाई करके रखा. ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. समर्स के लिए आई एम नॉट श्योर क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है एंड बिल्कुल भी स्मज प्रूफ नहीं है, बट लिप्स पे बहुत ही ज्यादा लाइट है. सो कुछ इस तरीके से समर्स के लिए आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा काम करेगा क्योंकि मैंने इसे जस्ट कुछ दिन पहले खरीदा है एंड मैं फिलहाल विंटर्स के टाइम इसको यूज कर रही हूँ. ये लिप्स पे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, साथ ही इसका कलर भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है. एंड ये लिपस्टिक जो है वो बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, तो आप खाओगे पियोगे तो वो ट्रांसफर होगा. सो ये चीज जो है इस लिपस्टिक के साथ है. सो दूसरे शेड की बात करें तो आप देख सकते हो ये शेड मैंने फिलहाल अप्लाई करके रखा है, बहुत ही खूबसूरत सा पिंक शेड है. एंड शेड के नाम की बात करें तो ये मॉडर्न मूव कुछ इस तरीके से है. बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कलर है एंड मेरे हाथ की आ रही है, मैं आपको इधर दिखाती हूँ. सो कुछ इस तरीके से है ये पिंक कलर का शेड. एंड ये लिपस्टिक जो है वो मैं आजकल बहुत ज्यादा यूज कर रही हूँ एंड फिलहाल भी मैंने ये वाली लिपस्टिक अप्लाई करके रखी है. जस्ट मैंने लिप ग्लॉस अप्लाई कर लिया तो थोड़ा सा शेड यू नो इधर उधर सा लग रहा है, बट मैंने यही वाली लिपस्टिक जो है फिलहाल वेयर की है. साथ ही मैंने इसी को एज ब्लश भी यूज किया है. सो कलर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है एंड ये लिपस्टिक जो है वो परफेक्ट है डे टाइम के लिए. अगर आप ऑफिस गोइंग हो एंड कुछ बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं लगाना चाहते तो आप ये वाली लिप शेड को ट्राई कर सकते हो. एंड ये शेड भी जो है वो हर स्किन टोन के साथ अच्छा लगेगा. लेकिन अगर आप फेयर हो, मीडियम हो, इवन डार्क स्किन टोन के साथ भी ये शेड जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा. सो कलर वाइज कहीं ना कहीं ये दोनों लिप शेड्स जो है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे क्योंकि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी थी. तो शेड के लिए थोड़ा सा डाउट रहता है कि स्किन पे कैसा दिखेगा एंड ये रियलिटी में कैसा रिसीव होगा. तो ये कलर्स बहुत ज्यादा सुंदर है एंड ये रियलिटी में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. बट यही है कि बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है. एंड लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए, 2 to 3 आवर्स के लिए ये आपके लिप्स पे लास्ट करता है क्योंकि ये बिल्कुल भी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है. तो आप खाओगे पियोगे तो यू नो ये गायब सा हो जाता है. या कुछ इस तरीके से है ये दोनों लिपस्टिक. एंड आई होप भी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो. अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. साथ ही अगर आप मुझे कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहते हो, जिसका रिव्यू देखना चाहते हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में फटाफट से मेंशन कर दो एंड मैं फुल ट्राई करूंगी उसको ट्राई करने का. सी यू दैट्स इट फॉर टुडे. मिलती हूं आपसे बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.